फ्रेंड्स, अगर आप अपने सीलिंग फैन का पुराना कैपेसिटर बदलना नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फैन का कैपेसिटर चेंज करने का आसान तरीका बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है जब उनका सीलिंग फैन का कैपेसिटर वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, या उनका सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमने लगता है, तो वो फ्रेंड्स मार्केट से नया कैपेसिटर खरीद के तो लाते हैं लेकिन इस कैपेसिटर का कनेक्शन करना नहीं जानते, जिसके वजह से उनको काफी परेशानी होता है। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इस कैपेसिटर का कनेक्शन करना जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वहीं फ्रेंड्स, जो लोग इस कैपेसिटर का कनेक्शन करना नहीं जानते उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा फैन कैपेसिटर है, ये हमारा 2.50 mFD का है, इसको हमने नया परचेज किया है। आप इसमें देख सकते हैं दो वायर है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब आपका पुराना कैपेसिटर चेंज करना है तो वहां पे फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस पुराना कैपेसिटर का जो दो वायर रहेगा, ये दोनों वायर जिस दो वायर में रहेगा, आपको क्या करना है, वहां से खोलना है। आपको फ्रेंड्स खोलने के टाइम में एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए आपका जो एक कैपेसिटर है पहले से जिन वायर में लगा होगा आपको उसी वायर में ये कैपेसिटर लगाना है, और जो वायर यहाँ पे बीच में लगा होगा उस वायर को आपको बीच में लगाना है, और जो नीचे लगा होगा वो यहाँ पे नीचे लगाना है। फ्रेंड बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे दोनों वायर को एक ही बार में खोल के कैपेसिटर निकाल देते हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्शन हुआ है, जिससे क्या होता है उनका सीलिंग फैन का कनेक्शन गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से पहले एक वायर खोलना है कैपेसिटर का, और यहाँ से क्या करना है, कैपेसिटर का एक वायर यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको कोई भी गलत नहीं होगा। करने के बाद फ्रेंड क्या करना है, जो आपका नया कैपेसिटर रहेगा इसका आपको एक वायर को इस वायर में क्या करना है, पहले जोड़ लेना है। ठीक है, आपको कैपेसिटर के दोनों वायर को पहले नहीं खोलना है, आपको क्या करना है, पुराना कैपेसिटर को एक वायर से खोलना है, उसमें नया कैपेसिटर का एक वायर लगाना है, और लगाने के बाद क्या करना है, वो जिस पॉइंट से आप खोल रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, लगा के इसको पूरा फुल टाइट कर लेना है। इससे फ्रेंड क्या होगा, आपका वहाँ पे गलत नहीं होगा अगर आप एक एक को यहाँ पे करेंगे तो। अगर आप दोनों को एक ही बार खोल देंगे तो इससे क्या होगा, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पुराना वाला कैपेसिटर को एक वायर खोल के नया वाले कैपेसिटर को एक वायर जोड़ दिया है। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला वायर भी खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका ये पुराना वाला कैपेसिटर इस वायर में कनेक्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ से निकाल देना है, और निकालने के बाद जो आपका नया वाला कैपेसिटर का दूसरा वायर रहेगा इसको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स अगर आप लगाइएगा तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा हमारा कौन सा वायर कहाँ पे लगा था। करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में फिर इसको लगाना है, और लगाने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स एक चीज़ का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको पूरा फुल टाइट करना है, अगर आप इसको लूज रखिएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक कनेक्टर जल जाएगा। करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो हमारा यहाँ एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने पुराने कैपेसिटर को चेंज करके नया वाला कैपेसिटर लगा दिया है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉमन वायर को कुछ भी नहीं करना है, इसको खोलना नहीं है, या आपका जो भी सप्लाई वायर रहेगा इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन दो वायर में कैपेसिटर लगा रहेगा पुराना वाला, उन्हीं दोनों वायर में क्या करना है, एक एक वायर को खोल के नया वाला कैपेसिटर का दोनों वायर जोड़ देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ कि जो हमने कैपेसिटर कनेक्शन किया है ये हमारा सही हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने सीलिंग फैन के सप्लाई को चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा ये सीलिंग फैन है वो यहाँ पे सीधा घूम रहा है, मतलब इसका जो हमने कैपेसिटर चेंज किया है वो हमारा सही हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको अपने सीलिंग फैन का पुराना कैपेसिटर ऐसे ही चेंज कर लेना है, अपने सीलिंग फैन में नया कैपेसिटर ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप इस कनेक्शन को कहीं पर नहीं समझ पाए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।